पकड़ लिया। क्या हुआ? मारम का चंदा। हाँ, मारम का चंदा। अरे भाई, चंदा वंदा भी नहीं। आए, चिकन डिनर होते होते बच गया। ओके गाइस, गुड मॉर्निंग। सो राइट नाउ द टाइम, आज इस समय मैंने घड़ी नहीं पहना तो मुझे नहीं पता अभी क्या टाइम है, बट मोस्ट प्रोबेबली इट्स 4:30 और 4:40। एंड राइट नाउ इन सिलीगुड़ी, अ सिटी इन वेस्ट बंगाल एंड इन जंक्शन एरिया। अभी हमें पेट्रोल फिलअप करना है, पेट्रोल वाले हैं कि नहीं। सीम्स लाइक देयर इज नो पेट्रोल, यू नो, गाय ओवर हियर। अभी हमें मेन रोड में ही मिलेगा पेट्रोल पंप। सो बेसिकली आई एम गोइंग टूवर्ड्स बोलपुर, विच इज़ प्लेस इन शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल, फ्यू किलोमीटर्स यू नो बिफोर बर्धवान। सो आई एम गोइंग फॉर अ वर्क पर्पस एंड आई एम ट्रैवलिंग। टुडे इज 22nd of August 2020। सो यस, इट्स पैंडमिक, यू नो, कोरोना वायरस पैंडेमिक इज गोइंग ऑन। मैं ये चीज़ इसलिए मेंशन कर रहा हूँ ताकि आज से 10-20 साल बाद जब कोई भी ये व्लॉग को देखेगा तो उसे पता रहेगा कि यार ये पैंडेमिक क्या था 2020 में, राइट। सो आई एम गोइंग टू शांति निकेतन। शांति निकेतन इज़ अ प्लेस जहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है वो उनका जन्म स्थान है वहाँ पर। सो आई एम गोइंग देयर फॉर अ वॉक एंड देखते हैं। अभी अराउंड 4:30 के आसपास टाइम हो चुका है एंड कब तक हम पहुंचते हैं वहां पे उसको देखते हैं। सो या गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर द एंटायर वीडियो। आई होप सो दिस वीडियो विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ यू नो एडवेंचर, यू नो, चैलेंजेस एंड मच मोर थिंग्स फन। सो लेट्स सी, स्टे ट्यून्ड टू द वीडियो एंड गाइस मिलते हैं आगे विद सम ग्रेट म्यूजिक एंड विजुअल्स। स्टे ट्यून्ड। फिल अवर टैंक, बिकॉज इसमें तेल बहुत ही कम है, मतलब है ही नहीं बोल सकते। सो लेट्स गो एंड रिफिल द टैंक। सो गॉट 16.92 लीटर्स। 15 लीटर का टंकी नहीं है, 16.92 मतलब 17 लीटर का टंकी है ये। फुल डाला, थोड़ा सा जगह बाकी था लेकिन चलो कोई नहीं। तो जो लोग पल्सर 220 ओन करते हैं, कह देता हूँ कि फ्यूल टैंक में हल्का फुल्का फ्यूल रहेगा और फिर भी आप उसमें 16.92 मतलब अराउंड लगभग 17 लीटर का तेल आप डलवा सकते हो। सो इट्स अ वेरी ह्यूज एंड मैसिव टैंक। अगर इसको लेके कहीं पे ट्रिप करना है देन दिस इज द बेस्ट, यू नो, बेस्ट टैंक। सो गाइस, लेट्स गो अहेड एंड चलते हैं। बने रहिए रोड में, बने रहिए मेरे साथ ताकि आप लोगों को जो है आगे का दृश्य दिखाई दे और आप लुफ्त उठाओ म्यूजिक्स। और अरे क्या है भाई, रॉन्ग साइड फ्लाईओवर पे हम अगर सीधा जाए तो हमें मिल जाएगा पानी टंकी बॉर्डर, और अगर उससे भी अगर स्ट्रेट गए तो बिहार, और अभी हम अगर लेफ्ट को लेंगे तो हम जाएंगे कोलकाता की तरफ। सो दिस रोड विल लीड्स टूवर्ड्स कोलकाता, किशनगंज, बिहार, दोनों रोड जाते हैं। ये थोड़ा शॉर्टकट है, ये थोड़ा लॉन्ग कट है। यहाँ पे चालू होता है बैड पैच ऑफ रोड। अब ये जो ख़राब रास्ता है ये चलेगा थोड़ा दूर तक, उसके बाद हम जॉइंट हो जाएंगे फिर एशियन हाईवे के कंस्ट्रक्शन रोड पे जो कि डाइवर्शन रोड्स होंगे। सो सो नाउ वी हैव जॉइंट टू द एशियन हाईवे एंड दिस इज अ 4 लेन और 6 लेन बना देंगे इसको कुछ ही दिनों में। ऑलरेडी है, लाइनिंग करने से पता चलता है कितना लेन का रोड बनेगा। सो यस गाइस, एंजॉय द रोड, एंजॉय द म्यूजिक, मिलते हैं आगे। सो जस्टिस पश्चिम मदाती टोल प्लाजा।
और गाइस एक बात तो मैं बताऊंगा कि चाहे आप यू नो कितना भी आप राइड कर लो सिटी में कहीं पर भी, बट हाईवेज के लिए एक अलग आपको एक्सपीरियंस होना पड़ेगा. लाइक आई एम बीइंग राइडिंग सिंस अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो नाउ ऐसा होता है कि मेरे सामने कोई गाड़ी रहता है ना, मैं गाड़ी वाले का जो क्या बोलते हैं जो बॉडी लैंग्वेज है उसको देख के मैं बोल दूंगा वो मतलब क्या चाहता है, लेफ्ट जाना चाहता है, राइट जाना चाहता है, साइड नहीं देना चाहता है, कि यू नो एक होता है ना कि बॉन्डिंग बन जाता है रोड के साथ और आपको पूरा लैंग्वेज समझ में आता है. सो दैट कम्स विद ऑल द एक्सपीरियंस. सो कभी भी आप राइड हाईवे में अगर राइड करते हो तो जब लंबा देर के लिए राइड करोगे ना तो आपको ऐसा एक्सपीरियंस हो जाएगा. एंड वंस यू आर इन टू दैट प्रो जोन, कसम बता रहा हूँ हाईवे में आपसे अच्छा मे बी और कोई नहीं होगा. बिकॉज अगर रास्ता अगर सील्ड है और कोई कुत्ता, कोई भेड़ बकरी, कोई लोग क्रॉस नहीं कर रहा है एंड देयर इज ओनली कार्स एंड बाइक्स, आई विल स्क्रू दैट रोड ऑन अ डिफरेंट लेवल. ये जो छोटे छोटे गड्ढे हैं ना, ये कढ़ाई जैसा इतना चौड़ा और इतना गड्ढा, इसमें अगर आपका अलॉय या रिम गया आपका क्या होगा जनाबे अली, वो तो आप ही को पता चलेगा उसके बाद. सो कोलकाता इज 527, लखनऊ 955. लखनऊ से याद आया कि आई यूज टू डू यू नो लखनऊ विद इन 11 hours, 12 hours ऑफ राइडिंग विद पल्सर 200 NS. अमेजिंग जर्नी ऑफ दिल्ली ब्रो, लाइक क्या ही मज़ा आता था उस समय. करेंगे, लॉकडाउन खुलेगा तो करेंगे फिर दोबारा. तो जिन लोगों ने दिल्ली के व्लॉग्स नहीं देखे हैं जाके देखो यार, इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस व्लॉग्स ऑफ माय एंटायर चैनल. आई होप सो ये इस्लामपुर का जो बाईपास है ये जिस दिन बन जाएगा ना, आई एम प्रीटी श्योर कि इतना जो हेक्टिक वाला ट्रैफिक है ये घट जाएगा. सो वेलकम टू इस्लामपुर, आई एम एंटरिंग द इस्लामपुर. एंड अभी ये एक बोतवे लेन है, इसमें थोड़ा कॉशियस होकर गाड़ी चलाना पड़ेगा. अभी आने वाला कोई एक मोड़ होगा, वहाँ से मुझे लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा और वो रास्ता बांग्लादेश बॉर्डर के साइड से होकर के जाता है एंड दैट विल लीड मी टू रायगंज. सो दैट इज़ बंगाल टू बंगाल, तो मैं बंगाल टू बंगाल करने वाला हूँ. तो अगर आप दिन में हो, डे टाइम में अगर आप बंगाल टू बंगाल कर रहे हो तो यू कैन गो ऑन. ये था क्या? ना ये नहीं था. सो यू कैन गो ऑन. रात के टाइम पे प्लीज़ डू नॉट डू द बंगाल टू बंगाल बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज ऑन दैट रोड. सो प्लीज़ अपने सेफ्टी के लिए आफ्टर सनसेट डोंट डू बंगाल टू बंगाल अंटिल अनलेस यू गाइज आर अ लॉट ऑफ पीपल इन द कार. अपार्ट फ्रॉम इफ यू आर सोलो डोंट डू बंगाल टू बंगाल इन द नाइट टाइम और इन द इवनिंग टाइम. डे टाइम में आप निकल लो, आ लो, जा लो, कुछ भी कर लो, नो इश्यूज. पकड़ लिया. सो गाइज जस्ट लुक एट द रोड. अभी हम लोग ज्वाइन हो चुके हैं ये बंगाल टू बंगाल के रोड में एंड इट्स अ लवली लैंडस्केप रोड, लवली. जस्ट लुक एट द रोड कंडीशन एंड द एनवायरमेंट एंड द नेचुरल ब्यूटी. इट्स ऑल फिल्ड विद ग्रीनरी. बट येस यहाँ पे थोड़ा यू नो प्रॉब्लमेटिक है बिकॉज ये गाँव का रोड है, लोग कभी भी कहीं से भी घूम जाते हैं एंड लोग कहीं से भी क्रॉस कर लेते हैं. सो इन बातों का ध्यान रख के अगर आप चलेंगे तो यू विल एंजॉय द नेचुरल ब्यूटी. जस्ट लुक एट दिस अमेजिंग मैन, क्या सुंदर व्यू है. लाइक इट्स दिस सन इज टोटली ऑरेंज, बीच में वाइट और पैडी फील्ड्स. आहा, एंजॉय द रोड विद म्यूजिक. सो ये जो रास्ता है काफ़ी अच्छा है मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत लंबा है. तो एक काम करता हूँ, इस रास्ते को मैं हल्का बहुत स्किप कर देता हूँ और इस बीप के बाद आपको मैं मिलूंगा डायरेक्ट रायगंज के हाईवे पे, जहाँ पे ये रोड जो है हाईवे को टच डाउन करता है.
दिस इज़ दी हाईवे आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि रायगंज का हाईवे में जाके कनेक्ट होता है. लास्ट का रोड्स थोड़े ख़राब थे बट इट्स फाइन नाउ फाइनली बैक ऑन द हाईवे एंड होप सो दिस रोड ब्रिंग्स मोर हैप्पीनेस ऑन क्रूजिंग एट 1995 स्टेडियम. यू नो व्हाट गाइस, लाइक आई बिलीव कि अगर आप इंडियन रोड्स में मतलब ऐसे रोड ऐसे ट्रैफिक सिचुएशन पे अगर आप चलाना सीख गए और आपने इस हर्डल्स को पार करके आपने एक बेंचमार्क क्रिएट कर लिया अपना ड्राइविंग लेवल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस का देन आई एम प्रिटी श्योर दैट यू कैन ड्राइव और राइड एट एनी पार्ट ऑफ द कंट्री लाइक द मोमेंट यू एक्सलेट there's a pothole, the moment you accelerate there is someone who is you know trying to overtake from the other side, so it's like a challenge itself, it's like a task ki aapko ye pura karna hai. Aapke samne gadde aayenge, aapke samne trucks aayenge, gaadi aayenge, especially blue wale NBSTC ke wo bade bade buses aayenge, unse aapko you know samna hoga, wo aapko ekdam road ke edge mein le jaake chhod dete hain. So those are the challenges that one have to come across on the Indian roads, especially when you know travel through this kind of rural areas. ye lijiye hum inhi ka baat kar rahe the, ye dekhiye ekdam road ke side mein aake chipka denge. are idhar se ja bhai, kya kar rahe hai? to malda se hain, they are the subscribers. abhi malda bypass se pehle लाइक इन्होंने बोला था कि ये मिलेंगे, तो फिर चलो मिलते हैं. सो अगर अंदर जाएंगे तो मालदा टाउन आएगा और अगर हम लोग लेफ्ट को रहेंगे तो ये आ जाएगा मालदा बाईपास. वेल मालदा बाईपास बना के तो बहुत ही अच्छा कर दिया, इट्स रियली हेल्पफुल बिकॉज लाइक टाउन के अंदर से अगर जाएंगे ना तो बहुत टाइम लगता है. दिस इज़ द टाउन, इधर के अंदर से टाउन जाता है फिर मालदा बाईपास का. मॉर्निंग मॉर्निंग. अरे हाय, लगा कि आपने मुझे टेक्स्ट भी किया है रात को ना. हाँ वो मैंने उसमें अपडेट दिया था ना कि क्या नाम है जाएगा शांति निकेतन. क्या कुछ काम वाम है? हाँ थोड़ा काम से जा रहा हूँ. अरे हाथ पाँव पूरा दर्द हो गया यार, इतना रोड खराब है. बहुत रोड खराब है यार. हाँ इंट्रोडक्शन करवा दो यार, कौन क्या नाम है और नायो. कैसा कैसा बोलो शॉर्ट नायो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? कभी सोचा नहीं. सोनार आयु बांग्लाई, बांग्लाई सोनार आयु शॉर्ट नायो मतलब गोल्डन एज. तो गोल्डन एज रख देता नाम. ओके ओके मोय सॉरी, मेरे को कम सुना जरा, इतना लाउड नॉइस हु कर. हाँ इनको तो मिलाओ सिक. अच्छा शायंतन मिश्रा. ओके यार हेलमेट उतार लेता हूँ यार, सबसे इंट्रोडक्शन हो गया. सो दिस आर ऑल माय लवली सब्सक्राइबर्स. जो लोग कितने देर से खड़े हो तुम लोग? करीब एक घंटा. एक घंटा क्या बात कर रहे हो यार. सो बोले कि रायगंज. हाँ हाँ उसके बाद हम लोग निकले. ओके 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 ओके. नहीं रायगंज का रास्ता अच्छा था, रास्ता अच्छा था, लेकिन वही ट्रक वाला जाएंगे ना. हाँ बहुत बुरा मिलेगा भैया. ओ जाने आने वाला सही है लेकिन जाने वाला उतना. रॉन्ग लेन मार दो, रॉन्ग लेन मार दो. हाँ रॉन्ग लेन मारता है, लॉरी वॉरी सब मारता है, रॉन्ग लेन लॉरी बस सब मारता है. उतार लीजिए आप हेलमेट अगर. हाँ मैं उतारता हूँ. ओके सो लिविंग फ्रॉम हियर एंड यहाँ पे बिस्किट और पानी वगैरह पिए. दे ऑल्सो गेव मी सम चॉकलेट्स, चॉकलेट्स मैंने बैग में डाल दिया है. एंड लवली पीपल, अभी हम लोग रोड में जाएंगे एंड दे विल बी राइडिंग विद मी. कहाँ तक चलोगे आप लोग? 5-6 किलोमीटर जहाँ पे बाईपास एंड होगा. ओके ओके खिंच मेरी फोटो हो गया. सो दैट वाज अ रियली लवली यू नो इंटरेक्शन विद द सब्सक्राइबर्स. लोग कहते हैं ना कि यू नो वीडियो बना के क्या मिलता है, पैसे कमाते हैं एंड ऑल. ऐसा कुछ नहीं है यार, ये जो प्यार मिलता है ना, जो आप कितना भी पैसा दे दो आपको नहीं मिलेगा, ये प्यार अनमोल प्यार मिलता है, दैट्स इट. इसी के लिए यही लोग यू नो इनकरेज करते हैं, यही लोग जो है मुझे वो हौसला देते हैं कि आगे और
ऐसे लोग और जुड़े आगे, ताकि ये जो BN फैमिली है, ये जो फैमिली आगे बढ़ रहा है, इसका अमाउंट, इसका जो नंबर है वो और आगे बढ़े, यू नो। एंड बहुत जल्द हम लोग 1 लाख तो क्रॉस हो ही चुका है, एंड बहुत जल्द होपफुली 1 मिलियन भी हो जाएगा। सो यस गाइस, स्टे ट्यून्ड, आगे मिलते हैं। रोड्स अभी अच्छे हैं, म्यूज़िक एंजॉय करो, रोड्स का सीनरी को एंजॉय करो, मिलते हैं आगे। जिस चीज़ का डर था वो चालू हो गया है, ख़राब जो रास्ता है ये चालू हो चुका है। डोंट नो कितना दूर तक ये चलेगा यार, इतना सड़ा हुआ। ये देखो, ये साला, ये NBSTC वाले लोग किधर भी डाल देते हैं, ये लेफ्ट राइट, इनका बापड़ा चलता है ना। गवर्नमेंट बस है, वो भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, इनकी वजह से और जाम। सामने आप देख रहे हो ब्लू कलर का एक और एक NBSTC, रॉन्ग लेन में डाल देते हैं वो लोग, मतलब पता नहीं। ये देखो, सामने देख रहे हो, देखो मतलब सबसे ज़्यादा इसी को चुल मचा हुआ है घर पहुंचना, इसको अब रॉन्ग लेन में गाड़ी। इधर तो मतलब लिटरली बताओ, मैं तो ऐसे देहात में आ गया हूँ, गाँव देहात, किसी को राइट लेफ्ट लेन मेंटेनेंस कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, बस अपने को आगे जाना है। तोड़ ना, तोड़ इसका ग्लास तोड़। यार हट यार ना, लेफ्ट इतना फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है ना मेरे को ये सब रोड में चलाने में, साला कितना लोगों की कंडीशन, धूल धूल धूल, ट्रक्स लाइन में खड़े हैं, इधर लोग ना हेलमेट लगा रहे हैं ना मास्क पहन रहे हैं कोई, इनको इनको फ़र्क है। और यहाँ का पता नहीं यार, जो प्रशासन है जो रोड मेंटेन करते हैं उनको भी ना फ़र्क आता है इनको, बिकॉज दे आर लाइक लीस्ट बॉदर्ड, और यहाँ के लोग तो लीस्ट बॉदर्ड है ही, बिकॉज जब इनको ही कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ये भी मतलब जुल्म हो रहा है और ये भी जुल्म को सहन कर रहे हैं। आवाज़ उठाने वाला कोई है ही नहीं, और अगर उठाता भी होगा तो उसका आवाज़ दबा दिया जाता होगा, है ना। तो दिस इज द सिनेरियो ऑफ वेस्ट बंगाल, समझ में नहीं आता यार क्या चल रहा है इस वेस्ट बंगाल में। लोगों का कुछ यहाँ पे कोई रोड एटिकेट्स ही नहीं है कोई भी कहीं से भी। पिछला 4 किलोमीटर से साला मैं ऐसे ही चला रहा हूँ, साला पिछवाड़ा तो मेरा क्या ही बोलूँ मैं, लिव इट। ये देखो, कोई भी कहीं से भी डल रहा है यार, इतना चौड़ा है, इसको बना के अच्छा करो, क्या ही बोलूँ यार। ओके गाइस, सो फरक्का ब्रिज आ चुका है, सो दिस इज द फरक्का ब्रिज। हाइड्रोलिक डैम है इसके नीचे, ब्रिज के नीचे, एंड दीज आर द गेट्स ऑफ हाइड्रोलिक डैम। अभी एक ब्रिज बना रहे हैं वहाँ पे, यू कैन सी ऑलरेडी इन्होंने पिलर्स वगैरह गाड़ के रखे हुए हैं, और नीचे पानी बहुत है, लाइक पानी का लेवल एकदम मतलब ब्रिज से थोड़ा सटा हुआ, आप देख सकते हो वहाँ पे पोल से। ब्रिज जो है ना रिकन्स्ट्रक्ट हो चुका है, पहले इसका हालत मतलब गड्ढों से ही भरा हुआ था, अभी तो चलो ऐसा हो गया है कि इसमें अभी जाम नहीं लग रहा है, लोग इसमें है ना लाइक 77-80 का स्पीड पे आप इसको क्रूज करके निकल पा रहे हो, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले इसका कंडीशन ऐसा था कि गाड़ी ऐसे ऐसे मतलब 4-5 KMPH इतना का स्पीड में पहले चलते थे यहाँ पे। तो आ चुका है, तो अभी बर्धवान बोलपुर ये सब जाने के लिए हमें लेना पड़ेगा राइट। अब सो अभी थोड़ा देर जाने के बाद
we have to take the left turn. इतना सड़ा हुआ रास्ता है, क्या बोलूँ मैं आपको, मतलब आई डोंट नो, जो लोग इस रोड से बाइक गाड़ी चला के जाते हैं ना, उनको ही पता होगा। एंड यहाँ के लोग थोड़े ना, मतलब यू नो क्या ही बोलूँ, मतलब इतना सड़ा हुआ रोड है, लोग उसको एक्सेप्ट करके चल रहे हैं। अरे यार प्रोटेस्ट करो कि ऐसा सड़ा हुआ रोड क्यों है, बनाओ रोड। ओके सो एंटर दिस रोड, दिस रोड इज़ मोर बेटर दैन द हाईवे। अब बताइए, गांव का रास्ता इतना अच्छा है हाईवे, मतलब PWD इज़ मेंटेनिंग अ बेटर रोड दैन द नेशनल हाईवे, तो क्या ही बोले। ओके सो ऐसा बेकार रोड के बाद अब जा कर के ये एक अच्छा रोड मिला है हमें, जो एक गांव के अंदर से होकर के जाता है, एंड दिस विल लीड टू बर्धवान। बट दिस रोड कंडीशन इज़ गुड, और हाईवे का रोड का कंडीशन इज़ लाइक क्या ही बोलूँ। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे जो स्टेट के जो CM है, CM, वो बाय हेलीकॉप्टर बाय फ्लाइट ना आए बागडोगरा तक, वो एक बार ना कलकत्ता से सिलीगुड़ी बाय रोड आए, अपने कॉन्वॉय को लेकर के आए, और जितना अच्छा गाड़ी है उसमें बैठ के आए। तब उनको पता चलेगा कि ट्रैफिक में रुकने का, गड्ढे में जब चक्का गिरता है तो कमर का क्या हालत होता है, यू नो शुड फील। जब तक आप फील नहीं करते हो ना, तब तक आपको पता नहीं चलता है कि क्या बीत रहा है या क्या गुजर रहा है। तो आई वुड रिक्वेस्ट आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, प्लीज़ कभी मौका मिले तो प्लीज़ अपने कॉन्वॉय के साथ बाय रोड आप सिलीगुड़ी आइए, कलकत्ता से बाय फ्लाइट नहीं आए, बाय हेलीकॉप्टर मत आइए, बट कम बाय कार। आपको पता चलेगा कि इतना अच्छा सुहाना सफ़र आपको पता चलेगा। रोड इज अमेजिंग, ये वाला जो रोड है ये बहुत ही मस्त है, लाइक दोनों तरफ पेड़ है, तो इट्स लाइक जैसे कि हगिंग, यू नो हगिंग केव टाइप का हो गया है कि रोड को ये दोनों पेड़ जो है ऐसे एनक्लोज कर रहे हैं विद लीव्स एंड ब्रांचेस। ब्यूटीफुल, दिस पैच वॉज अमेजिंग, ब्यूटीफुल पैच। ओके गाइस, सो राइट नाउ आई इन बोलपुर, ये कोई पेट्रोल पंप है, एंड अभी फिर से यहाँ पे रिफ्यूल करवा रहे हैं। सो यस, दैट वाज द जर्नी, चेहरा भी नहीं दिखा सकता, टोटली डल एंड ब्लैक। सो घर पहुँच के मैं आपको मिलता हूँ कैमरे में फेस टू फेस। सो दैट वाज द जर्नी, सी यू एट होम। So basically what happened is today when I reached Bolpur, I decided to come back to Siliguri, and then when I decided to come back itself on that day, at that point of time really I was like worried about ki itna ganda road, phir wahi torture, phir wahi jhelo, phir ongoing traffic, upcoming traffic, itna bekar hai. So what did I decide? I decided to go via Jharkhand. Mujhe around 45 to 50 kilometers mujhe zyada laga ride ke dauran, but that was more comfortable while going. Like, to be honest, when I crossed Jharkhand, actually the road which I took is from Bolpur to Suri, Suri to Dumka, Dumka to some Devghar and other places. Then I went to Bhagalpur, Bhagalpur to Purnia, Purnia to Kishanganj, and then Siliguri. मैं आपको बात बता दूँ कि when I was crossing that Jharkhand वाला area, it was like so beautiful, so scenic road with small cap of mountains. एंड जंगल के बीच से रोड में एकदम कुछ भी ट्रैफिक नहीं था, एंड द बेस्ट पार्ट इज रोड कंडीशन वॉज लाइक, मतलब क्या बताऊँ, मतलब दोनों का कंपेरिजन ही नहीं हो रहा है, मतलब कहाँ मैं सुबह कैसे रोड से आया और इतने बड़े बड़े गड्ढे थे, एंड उसके बाद जब मैं झारखंड होकर के जब मैं वापस आ रहा था, आई वॉज लाइक फ्लाइंग ऑन द रोड। देर आर मोर वीडियोज़ विच आई माइट शेयर इन द अपकमिंग नेक्स्ट वीडियोज़,
बट इस वीडियो के लिए यही इतना ही काफी है. सो विद ऑल दैट से थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहूंगी, मेरे बात को किसी भी नेगेटिव एंगल से अगर ना लिया जाए तो मोर बेटर है, बिकॉज आई डोंट हैव एनी यू नो हार्शनेस और एनी बैड सॉर्ट ऑफ यू नो रिवेंजिंग एटीट्यूड विद एनी ऑफ द स्टेट्स, नथिंग. मेरे लिए जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है. इफ यू आर पेइंग अ लॉट ऑफ टैक्सेस देन व्हाई कम दिस रोड कंडीशंस आर सो बैड. और ये आज का बात नहीं है, ये बरसों से होता हुआ आ रहा है. सो पीपल हु आर लोकल फ्रॉम दी मालदा यू नो कालियागंज एंड ऑल दिस प्लेसेस दे नो इट वेरी वेल, एंड ये रोज का टॉर्चर है. तो विद ऑल दैट से थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू गाइज हैव लाइक समथिंग डू प्रेस द लाइक बटन, यू कैन कमेंट ऑन योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, एंड यू कैन डेफिनेटली शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स विद योर फैमिली मेंबर्स विद पीपल सो दैट दे कैन गेट टू सी दिस लवली व्लॉग और लॉन्ग व्लॉग जो भी है यार. अच्छे चीज बड़े चीजों में आती है. सो ये गाइज गुड बाय, टेक केयर, राइड राइड सेफ. मेरी तरफ से गुड नाइट बिकॉज आई एम गोइंग टू स्लीप, एंड आप लोगों के लिए गुड मॉर्निंग होगा बिकॉज इट्स ऑलरेडी 4:35. So yeah guys, you can follow me on my Instagram handle, that is Bikaniladri. You can follow my Facebook page, that is Bikaniladri. Bye, I'm going to crash on my bed. See you in the other vlog. Till then, ride hard, ride safe. Bye bye. क्या है सर, ये रोड है? हाँ, ईटा निकल के आ चुका है बाहर. This is on way to Kolkata. আমার সোনার বাংলার রাস্তা, দিস ইজ আমার সোনার বাংলার রাস্তা.